हेलो फ्रेंड्स, मैं शशि आप सभी का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल पर। नाश्ते में सभी के पोहे खाने का मन था तो मैंने यहाँ पे एक कप पोहा ले रखा है। बिल्कुल पतले वाला पोहा है जो नाश्ते का पोहा रहता है। और साथ में मटर ले रखे हैं, टमाटर कट कर रखे हैं, प्याज है और हरी मिर्च ले रखी है। और साथ में ही यहाँ पे है ड्राई फ्रूट, पीनट है, काजू बादाम है और किशमिश ले रखे हैं। सबसे पहले हम जो पोहा ले रखा है इसे हम वॉश करेंगे। दो पानी से हम इसे वॉश करेंगे, एक पानी फेंक देंगे, फिर दूसरे पानी में इसे अच्छे से वॉश करके तुरंत निकाल देंगे। पोहे को हमें भीगने के लिए बिल्कुल नहीं रखना है, नहीं तो ये टूट जाता है। तो इस तरीके से मैंने इसे वॉश करके एक छन्नी ले रखी है साइड में और इसे हम इस तरीके से निकाल देंगे और छन्नी के ऊपर रखते रहेंगे ताकि जो भी इसमें एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छे से ड्रेन हो जाए और जो पोहा है वो बिल्कुल खिला खिला सा दिखे। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में तेल डाल दिया है और साथ में ही एक पैन पे मैंने यहाँ पे एक चम्मच तेल डाल दिया है। इसमें मैं ये जो ड्राई फ्रूट है इन्हें फ्राई करूँगी ताकि इसका जो कच्चापन है वो भी हट जाए और ये थोड़े कुरकुरे से बने। तो तेल गरम होते ही इसमें हम राई डाल देंगे और साथ में ही कड़ी पत्ते है इसे भी डाल देंगे। अब मैंने इसमें हरी मिर्च है, प्याज है, इसे डाल दिया है और इसे हम अच्छे से भून लेंगे। प्याज हमारा अच्छे से भुन गया है तो इसमें मैं डाल रही हूँ टमाटर। टमाटर मैंने ज़्यादा ले रखे हैं, आप यहाँ टमाटर को स्किप भी कर सकते हैं। बिना टमाटर से भी पोहा बहुत ही अच्छा बनता है। मैं टमाटर इसलिए डाल रही हूँ ताकि जो पोहा है वो थोड़ा सॉफ्ट बने और बिल्कुल रसीला बने, ज़्यादा सूखा ना बने। तो इसमें मैंने नमक डाल दिया है, स्वाद अनुसार मसाले ऐड कर लिए हैं, धनिया, हल्दी और मिर्च, काली मिर्च का पाउडर, चाट मसाला और गरम मसाला डाला है। थोड़ा अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। तो थोड़ी देर हम टमाटर को ये सॉफ्ट होने देंगे ताकि अच्छे से गल जाए। तो इधर जो गरम पैन था इसमें मैंने मटर डाल दिए हैं, अच्छे से इसे भी फ्राई कर लेंगे। तो जब तक हमारे मटर ये सॉफ्ट हो जाते हैं तब तक हमने जो मसाले इधर टमाटर है ये अच्छे से गल गए हैं। अब इसमें हम पोहा ऐड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका जो पानी है वो अच्छे से इसने ऑब्जर्व कर लिया है। अब पोहा हमारा बहुत ही अच्छा खिला खिला दिख रहा है। अब इसमें हम ये मटर है इसे भी ऐड कर लेंगे। तो इसे हम टमाटर के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि जितने भी हमने मसाले डाले हैं वो अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए। और साथ में जो ड्राई फ्रूट है इसे भी मैंने ऐड कर लिया है। ड्राई फ्रूट को हम लास्ट में ही डालेंगे ताकि ये सॉफ्ट ना बने इनके साथ। और मैंने इसे 5 मिनट तक इसे अच्छे से मिक्स कर लिया था, फिर इसमें मैंने ड्राई फ्रूट ऐड किए हैं। तो इसे अच्छे से मिक्स करते हुए तो ये लीजिए पोहा बनकर हमारा तैयार हो गया है। इसे अच्छे से मिक्स भी कर लिया है और ये अच्छे से कुक भी हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे यहाँ पे खटाई के लिए नींबू। तो आधा नींबू ले रखा है, इसका रस हम इसके ऊपर डाल देंगे। इस तरीके से और इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे, फिर हम इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। तो ये लीजिए गरम गरम पोहा बनकर तैयार हो गया है, झटपट बनने वाला नाश्ता है और इसे मैं सर्व कर रही हूँ। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना। चैनल में पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।